अभी चांस है कि फोर्ड आती है तो और कोई कंपनी की लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा। कौन, एक तो बाई डिफॉल्ट आया था जो कंपनी से आया था, जो थे इसके टायर, तो वो मैंने अवेल नहीं करी थी, जो बाद में थोड़ा सा दुख हुआ उस चीज का। हम चल रहे हैं, हाँ ये खुल जाएगा, ये और ये पीछे भी है। इवन चारों डोर में ये पीछे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई कैसे हैं आप सब? आज की जो फील थी ना, ये आपको चला के दिखानी थी कि जो मैं अंदर से फील कर रहा हूँ ना, वो आपको दिखा पाऊँ। तो भाई आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं अपनी फोर्ड इको स्पोर्ट के साथ में। यार देखो, फोर्ड चली गई थी लेकिन कहीं ना वो अपनी पहचान छोड़ गई है। देखो भाई, फोर्ड जानी जाती है अपने मस्कुलर लुक की वजह से, अपने टर्बोचार्ज डीजल इंजन की वजह से, और उसके अलावा भाई कहीं ना कहीं ये जानी जाती है अपनी मेंटेनेंस की वजह से। एक बहुत बड़ी, मतलब हम ये कहेंगे कि छाप छोड़ के गई है गाड़ी एक तरीके से, या फिर लोगों की साइकोलॉजी इसने कहीं ना कहीं सेट कर दी यार। फोर्ड का मतलब है खर्चा, लेकिन फोर्ड जो मज़ा देती है ना, वो किसी और गाड़ी में आपको नहीं मिलता, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि इससे पहले मैं भी ओन करता था यही फोर्ड इको स्पोर्ट, तो सेम वेरियंट सेम फेसलिफ्ट मेरे पास थी। तो आज हम आपको बिल्कुल बारीकी से दिखाएंगे कि जो लोगों का मिथ है, क्या सही में वो मिथ ही है या फिर उसमें कुछ सच्चाई भी है। और आज हम बात करेंगे कि एक फोर्ड को ओन करना क्या सही में एक्सपेंसिव है आज की डेट में, और आगे जो फोर्ड आने वाली है उसको लेके भी कुछ बात करेंगे कि इससे आपका ये भी माइंडसेट हो जाएगा कि आगे फोर्ड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फोर्ड दोबारा वापसी आ रही है इंडिया में। तो चलो शुरू करते हैं इसके ओनर के साथ में। सबसे पहले बुलाते हैं मोहित जी को। मोहित जी, क्या हालचाल है आपके? बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये है भाई डीजल टर्बोचार्ज इंजन की। और मैं एक बात कहूँगा, एंडेवर के बाद में, या फिर एंडेवर को एक तरफ छोड़ भी देना, तो जो फोर्ड इको स्पोर्ट है ना भाई, वो और जो फोर्ड है, फोर्ड जानी जाती है फोर्ड इको स्पोर्ट की वजह से, इको स्पोर्ट जानी जाती है फोर्ड की वजह से, दोनों में इतना गहरा लिंक कैसे है भाई? ये लार्जेस्ट सेलिंग कार है फोर्ड की, आज ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। ये गाड़ी क्या, इवन फोर्ड भी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, उसके बाद भी रोड पे इतनी गाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाती है, इतनी गाड़ियाँ देखने को मिल जाती है जिसकी कोई भी हद नहीं है। तो उसके पीछे कारण है इसका डीजल टर्बोचार्ज ये वाला इंजन। अभी हम आपको एक बार इंजन बे दिखाते हैं। भाई ये गाड़ी ना, मैंने तो इतनी जगह टेस्ट की है जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन अभी सर से बात करेंगे। सर ने गाड़ी इतनी चला ली है कि मेरे ख्याल से इतने ना, एक इस सेगमेंट के, खासकर इस सेगमेंट के लिए बहुत बड़ी फिगर हो जाती है वो चलना। तो चलो अब हम बात करते हैं मोहित जी से। मोहित जी, आपने ये जो ये इंजन है ये कितना ड्राइव कर लिया अभी तक? ये हो गया जी हमारा 1,06,000 के आसपास भाई। 1,00,000 किलोमीटर, अभी जो मैं आपको कह रहा था ना भाई, 1,00,000 जो किलोमीटर की फिगर है ना, ये बहुत बड़ी हो जाती है। तो भाई ये जो डीजल टर्बोचार्ज इंजन है, अगर देखो मैं अभी और कोई बात नहीं कर रहा, छोटी सी एक बात पूछ रहा हूँ कि अभी आज के डेट में इतनी सारी गाड़ियाँ मार्केट में हैं, आपने चलाई भी होगी, तो आपके हिसाब से मुझे एक बात बताओ, क्या इसके जैसा मुझे आपको किसी और गाड़ी में फील होता है? नहीं, बीच में इसको बेचने का सोचा था तो लगभग सारी मार्केट में जितनी है टेस्ट ड्राइव सबके लिए थी, हाँ हाँ, बट ऐसा मज़ा आया नहीं, और इस ये बड़ा रीज़न था इसको बेच नहीं पाया। अच्छा, हाँ तो एक बात बताओ, हाँ, आज अगर आप गाड़ी लेना चाहोगे आपका बजट कितना होगा? मतलब आप मिड साइज सेगमेंट की एसयूवी लेना चाहोगे? 15 तक। ठीक है, तो 15 तक में अगर हम इसका कंप्यूटर देखें कोई, तो इसकी जगह आप किसको रिप्लेस करना चाहोगे? इसकी जगह मेरे दिमाग में तो दो गाड़ियां हैं, हाँ, एक में मुझे याद नहीं, डीजल आता नहीं आता, हाँ, एक है XUV 300, ठीक है, एक है महिंद्रा की आती है बोलेरो नियो, वो डीजल में आती है, में ही आती है वो, हाँ, वो डीजल में ही आती है, बेस ले लो टॉप ले लो, ऑप्शन नहीं है उसमें, उसका इंजन कुछ ऐसा ही है। तो यार एक बात बताओ, आपने ये गाड़ी चलाई है डीजल टर्बोचार्ज, इसके बाद में फिर वही गाड़ियां क्यों ढूंढी आपने? देखो ये गाड़ी हमारी पहली गाड़ी थी, ठीक है, अच्छा, और जैसा एक आदमी पहली गाड़ी लेता है और पहला प्यार तो नहीं, हाँ, जैसे आदमी ने पहली गाड़ी ली तो थोड़ा देख के चलाता है, रोक के चलाता है, समझ के चलाता है, बिल्कुल, पर इस गाड़ी को चलाते हुए ना कभी ऐसा लूज कॉन्फिडेंस वाली बात आई नहीं, पहली गाड़ी है, हाँ, ना, और इस हिसाब से चला, अच्छे से देख के चला, वो ना आया नहीं कभी भी, अच्छा, है ना, तो इसने हमेशा कॉन्फिडेंस दिया, इसको आप हाईवे पे रगड़ो, ये ऐसे एरिया में ये, हाँ, चली है, ऐसे है ये, गांव में चली है, सिटी में चली है, हाईवे पे चली है, पहाड़ों पे चली है, बीच पे चली है। तो चलने की बात ही मुझे बता दो, 1,00,000 किलोमीटर जो हमने कवर किया है, तो 1,00,000 किलोमीटर में आपने कहाँ कहाँ इस गाड़ी को लेके गए हो? 1,00,000 किलोमीटर में ये गाड़ी ने पूरा नॉर्थ इंडिया किया है। अच्छा, साउथ में और ईस्ट में तो हम गए नहीं। अच्छा, बस ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, भाई कुछ पंजाब,
ये अपना इस साइड वाला यूपी, ये कुछ नहीं बचा। इस साइड वाला कौन से साइड वाला? ये वाला यूपी, वेस्ट यूपी। अच्छा, उस तरफ नहीं गए, इसकी तरफ नहीं गए। हाँ, तो ये कंप्लीट कवर। अगर वैसे मैं टेरेन की बात करूं कि किस किस जगह चलाई, जैसे ऑफ रोड, ऑन रोड, हाईवे, सब कुछ, रोड पे भी, बिना रोड के भी। ये देखो सब कुछ का मतलब, हम व्यूवर जानना चाहते हैं। देखो ये गाड़ी मैं बता देता हूँ, ये हाईवे पे चली है, नॉर्मल जो ऐसे कच्चे पक्के रास्ते इन पे चली है। हाँ। ये गाड़ी भाई हमारी बर्फ के ऊपर चली है, पहाड़ों में, बहुत हिमाचल में, उत्तराखंड में, पटनी टॉप सबसे पहले जो गई थी ये वहां पे चली है। उसके बाद ये क्या पत्थर वाले रास्ते पे भी चली है, ठीक है, जहाँ पे कीचड़ है उस पे भी चली है, और रिवर वगैरह है, रिवर क्रॉसिंग छोटी मोटी, ऐसे बड़ी तो नहीं, जो आती नॉर्मल, ये उनमें भी चली है। अगर आपने स्पेसिफिक पूछा है तो लगभग सब कवर कर दिया, सब कुछ कवर किया है, 1 लाख हो गया तो हो जाएगा सब। हाँ, एक बात बताओ मुझे यार मोहित जी, कि आपने इतनी गाड़ी आपने चला ली, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले प्रो और कौन से पहले भी, क्या इस गाड़ी ने कभी आपको कभी भी धोखा दिया? नहीं, कभी नहीं, भी नहीं, 1 लाख किलोमीटर पे नहीं दिया ये कभी आप? हाँ। अभी भी ऐसा है इस गाड़ी के अंदर, दो प्रॉब्लम है इतना चलने के बाद भी, दो, एक तो स्टेयरिंग रैक में प्रॉब्लम है, उसके बाद भी इतने कॉन्फिडेंस से चलाता हूँ इसको कि कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं। अच्छा, इवन चोकर में भी शिकायत है, बट वो नहीं है कि शिकायत है तो अभी करवाओ ठीक, मांगती नहीं है गाड़ी। एक चीज और पूछना चाहता हूँ, अगर फोर्ड दोबारा इंडिया में आती है और फोर्ड आने के बाद में फिर वो आपको दोबारा ऑप्शन मिलता है फोर्ड इकोस्पोर्ट का या किसी और गाड़ियों का, तो आप किस गाड़ी के साथ जाना चाहोगे? देखो हम, जैसा बताया आपने कि गाड़ी हमने एक साथ ली थी, दोनों सेम वेरिएंट था, सब कुछ था। हमने ये गाड़ी को 6 महीने चला के डिस्कशन हुआ था आगे कौन सी गाड़ी लेंगे, हमने बोला था वापस यही अपग्रेड कर लेंगे, इतना हमारा माइंडसेट था कि भाई दूसरी कंपनी में हम जाएंगे नहीं, बिल्कुल ये लेके कर लेंगे। इवन जब गाड़ी बंद हो गई थी, हमने, हमारे पास है टाइटेनियम, हमने टाइटेनियम प्लस या उसके लिए ट्राई भी किया था, भाई ये देके मिल जाए अपग्रेड करके। हाँ, उसके लिए ट्राई भी किया था, वो मिला नहीं। अच्छा, और अभी चांस है कि फोर्ड आती है तो और कोई कंपनी की लूंगा? बिल्कुल नहीं लूंगा। अच्छा, अगर फोर्ड आती है तो मैं तो इसको फिर दोबारा यही लेंगे, यही लेंगे। तो मोहित जी, अब बात करते हैं प्रो एंड कॉन्स की। लोग बाग ये जानना चाहते हैं क्या फायदा क्या नुकसान। और देखो, प्रो एंड कॉन में आपको कवर करना है मेंटेनेंस कॉस्ट भी, माइलेज भी, राइडिंग क्वालिटी, कंफर्ट, कोई टेक्निकल मैकेनिकल फेलियर, तो कोई भी आपका आज तक का कोई भी इसमें इशू आया ना, वो सबसे पहले हमें आप कॉन के बारे में बताओ, क्या क्या कॉन रहे गाड़ी के? अच्छा जी, इस गाड़ी में कौन, एक तो बाई डिफॉल्ट आया था जो कंपनी से आया था, जो थे इसके टायर। अच्छा, ठीक है। हाँ। वो मतलब एक ऐसा था जो अवॉइडेबल नहीं था, इसके साथ टायर आते थे गुडियर के, एश्योरेंस टायर का नाम था, ठीक है। और वो टायर ऐसे थे कि अगर ये कोई, ये पत्थर है, इससे थोड़ा सा बड़ा पत्थर है, और उस पे गाड़ी चढ़ा दी, और ये कोना लग गया साइड में टायर के वॉल पे, तो वो वॉल पे, तो ये कट जाएगा, टायर फट जाएगा। हाँ, मेरे 2 टायर ऐसे कटे थे। उसके बाद चारों टायर चेंज करवाए थे, ठीक है। फिर उसके बाद वो कौन चला गया था, ठीक है। दूसरा, अगर कौन की बात करूं, कभी ऐसा कोई टेक्निकल इश्यू तो नहीं आया गाड़ी के साथ, ठीक है। कभी ऐसे रास्ते में आज तक इसने खड़ा नहीं किया, इसको 5 साल कंप्लीट हो गए, 5.5 साल हो गए इसको, ठीक है। और एक है इसमें इशू जो साल के बाद लगभग आ गया था, इसका इंजन नॉइस, ठीक है। तो मतलब जितना इसका इंजन है ना, 1500 उसके हिसाब से चलता तो बहुत खतरनाक तरीके से है, ठीक है। बट जो ये नॉइस करता है ना, अभी आप चलाओगे तो अगर आप घर के नीचे स्टार्ट करके रख रहे हो, थोड़ी गर्म कर रहे हो गाड़ी, तो वो ट्रैक्टर से चलता है इसका। हाँ, वो तो एक ये है, स्टार्टिंग से था मेरे को लगता है, कहीं ना कहीं ना वो स्टार्टिंग से था थोड़ा सा। अगर एक साल भर गाड़ी चल जाती है ना, उसके बाद वो ज्यादा उभर के आती है। लेकिन अगर इसी इस टाइम पे जो आपकी ब्रीजा लॉन्च हुई थी ना, ब्रीजा का इससे ज्यादा नॉइस था जो डीजल में आती थी, उसका मैंने देखा नहीं, बट इसका अभी अगर स्टार्ट करते हो जैसे नॉर्मल, इतना ज्यादा हिलता है कि इंजन माउंटिंग भी चेंज करवानी पड़ेगी 1-2 बार। हाँ, उसके अलावा जी, इसमें ऐसा सच तो कुछ मुझे कॉन्स तो नहीं लगे कभी, कोई बिल्ड क्वालिटी को लेके या थोड़ा बहुत। तो अब मेंटेनेंस को लेके बात कर लेते हैं कि गाड़ी की मेंटेनेंस कितनी कितनी रही है 1 लाख किलोमीटर में, कितनी बार इसने जेब खाली करी है आपकी, जेब ढीली की? देखो जी, जेब ढीली तो इसने कभी नहीं करी, जो नॉर्मल वीयर एंड टीयर होता है। सबसे ज्यादा खर्चा इस पे मेरे ख्याल से मेरा टायर के ऊपर हुआ है, ठीक है। 2 बार इसके टायर चेंज करवाए मैंने, एक पहली बार तो मजबूरी में, उसके बाद वो जो टाइमली खत्म हो गई वीयर एंड टीयर के बाद आ गया। एक बार इसका क्लच चेंज हुआ है, वो भी नॉर्मल 60,000 चली थी, उसके बाद इसका क्लच कराया था। अक्सर हो जाता है। आपने कौन पूछा था इसका, मैं कौन एक याद आ गया बता देता हूँ, वो इशू ना इसकी क्लच के साथ रहा है हमेशा। अगर आपने चलाई है तो इसकी क्लच हमेशा ही हार्ड रही है। अच्छा, हार्ड मतलब सुपर हार्ड। अगर किसी ट्रक की क्लच होगी डीजल की, तो ऐसे इसका वो फंक्शन करती है, ट्रैफिक में हो कभी तो ये नस जरूर दर्द करती है आपकी, ठीक है। वो कौन है इसका बड़ा, उसको ये फोर्ड वाले ठीक करने की भी कोशिश करते हैं, वो बोलते हैं कि इसका हम लोग पूरा क्लच, वो प्लेट आती कुछ तो उसको बदल देते हैं, हाइड्रोलिक क्लच होती है इसमें, ठीक है, वो सिलेंडर चेंज करवा लो, बट उससे कुछ होता नहीं है, वो मैंने करवा के देखा। तो एक वो ऐसा इशू, हाइड्रोलिक क्लच में अक्सर ऐसा होता ही है।
हाँ ये अलावा ये काफी हार्ड है इसका। उसके अलावा इसका मेंटेनेंस में तो ऐसा तो नहीं आया, नॉर्मल सर्विस हुई है गाड़ी। सर्विस कॉस्ट कितनी आती है? सर्विस कॉस्ट आती है जी इसकी मैक्सिमम 6,000 रुपए मैक्सिमम 6,000 रुपए जिसके अंदर आपका इंजन ऑयल वगैरह नॉर्मल चीजें हो जाती हैं, उसमें क्लीनिंग भी आ जाता है, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो ये इतनी सी बस इसका 6,000 रुपए लगता है। उसके अलावा एडिशनल कुछ काम करा रहा हूँ, जैसे एडिशनल में आपको वाइपर इसके अंदर डलवाने हैं, या फिर आपको इस गाड़ी के अंदर ब्रेक वगैरह, जैसे ब्रेक वगैरह हो गया, ब्रेक गए, ब्रेक पैड डलवाना पड़ गया, तो एक वो खर्चा है, वो वीयर एंड टीयर में आएगा, उसको मेंटेनेंस में गिन लो या सर्विस में नहीं काउंट कर सकते उसको। तो 5 साल 1,00,000 किलोमीटर आपने चला भी ली तो आपको क्या वारंटी में सब कुछ ठीक हुआ या बाहर से कुछ कराना पड़ा? वारंटी देखो मेरे पास इसकी 4 साल की थी, 2 साल की मुझे मिली थी गाड़ी के साथ, 2 साल की मैंने वारंटी एक्सटेंड कराई थी, उसका कुछ पैसा देना पड़ता था, ठीक है वो हो गया। उसके बाद ऑप्शन दिया था उनको कि वारंटी आप ले सकते हो, तो वो मैंने अवेल नहीं करी थी, जो बाद में थोड़ा सा दुख हुआ उस चीज का। अच्छा, ले लेते तो 2-3 चीजें जैसे मैंने आप स्टेयरिंग रैक बताया तो उसमें कवर हो जाता, ठीक है। पर ठीक है, वो कॉस्ट अभी उतनी नहीं जा रही जितनी की वो वारंटी एक्सटेंडेड वारंटी दे रहे थे, ठीक है। मतलब कभी आप किसी ने जेब डीली की? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। और एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि मेन कितना देती है? अगर हम इसको थोड़ा सा अपने अंदाज में चलाते हैं गाड़ी को तो फिर भी ये 14-15 तो रहती है। सिटी हाईवे पे कुछ भी अगर आप रश चला रहे हो ना गाड़ी में, एकदम रैश ड्राइविंग कर रहे हो आप, ट्रैफिक में कट लेके चल रहे हो आप, खराब रोड पे लेके चल रहे हो, क्लच ब्रेक का हिसाब रख रहे हो, तो 14-15 तो नॉर्मल है। अच्छा, अगर आप चाहे सिटी हो चाहे हाईवे, चाहे सिटी हो चाहे हाईवे हो। अच्छा, थोड़ा सिटी में समझो अगर हाईवे पे 15-16 है तो सिटी में 14-15 हो जाएगा, ठीक है, 15 के आसपास रहेगा, ठीक है। मतलब अगर हम माइंड सेट लेके चलूं कि भाई यहाँ से मेरा गाँव 130 किलोमीटर है और मुझे लेना की आज तेल नहीं खर्च करने का मन है, तो मैं गाड़ी को अगर धीमे तो नहीं चलाएंगे, 80-90-100 तक भी रखेंगे ना, और रोड ठीक मिलता है, आप क्लच ब्रेक इतना नहीं कर रहे हो, आइडल एक सिचुएशन होती है एवरेज निकालने के लिए, तो हमने 24 की एवरेज निकाली जिससे। अच्छा, 23-24 चली जाती है गाड़ी। और लेकिन एक एवरेज की बात करो कि वो तो मैक्सिमम हो गया था चली जाती है, लेकिन एवरेज कितना देती है? एवरेज दे देती है 18-19 ढंग से चलाने पे, मतलब जिसमें ट्रैफिक भी आ गया, हाईवे भी आ गया, उसमें सब आ गया, 18-19 कम से कम चलो तो 17, ज्यादा चलो तो 19। तो चलो 1,00,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, अब गाड़ी के अंदर बैठते गाड़ी चलाते हुए बात करेंगे गाड़ी चल कैसी रही है और बाकी और चीजों के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रीवियसली मैं ये गाड़ी ओन करता था, तो मैं आपको एक इसका प्रो और एक कौन बताना चाहूंगा जो सबसे बढ़िया और सबसे खराब चीज थी इस गाड़ी की। इस गाड़ी की सबसे बढ़िया चीज है इसकी हैंडलिंग भाई। इस सेगमेंट में उस टाइम पे जिस टाइम पे ये गाड़ी दिख रही थी उस टाइम पे इसका जो हैंडलिंग थी ना सबसे बढ़िया हैंडलिंग थी, इसकी जैसी हैंडलिंग किसी भी गाड़ी की नहीं थी इस सेगमेंट में। और उसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा कौन था ना, सबसे बड़ा कौन था इसका, जो सस्पेंशन थे भाई, वो सस्पेंशन इसके बहुत ज़्यादा स्टिफ थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन उस सस्पेंशन की वजह से एक चीज़ ये भी थी कि उसकी वजह से जो स्टेयरिंग का जो फीडबैक था ना वो बढ़िया था, वो स्टिफ होने की वजह से। उसके अलावा मोहित जी बात कंटिन्यू करते हैं, आप प्रो बताओ कुछ गाड़ी के। गाड़ी के प्रो सर, एक तो प्रो ये है जो आप सीट पे बैठे हैं ये गाड़ी बनी उस सीट के लिए। हाँ, इस गाड़ी को चलाना, इस गाड़ी को मतलब वो हर बार आप चलाओगे ना आप कभी भी बोर नहीं होगे। और दूसरी बात, बंदा ऐसे सीट के अंदर फंस जाता है। हाँ, जैसे इसकी बकेट फिटिंग है ना भाई, अभी भी आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलेगी। जो इसकी बकेट फिटिंग है भाई, अंडर थाई सपोर्ट की बात कर लो चाहे बैक सपोर्ट की बात कर लो, कितना ही लंबा ट्रैवल कर लो। और एक इसका एक प्रो ये था जो ज्यादातर लोग जब ये गाड़ी बिकती थी नेगेटिव समझते थे। अब जहां मैं बैठा हूँ बैक सीट, पहले जब ब्रेजा के साथ नेक्सन के साथ कंपटीशन होता था ना इसका, उस टाइम पर तो 3 ही गाड़ियां थी मेजर। हाँ, बिल्कुल। तो बोलते थे बैक स्पेस है ही नहीं गाड़ी के अंदर। हाँ, ये गाड़ी 5 साल पुरानी है। आज के टाइम पे मुझे कोई ऐसी दिखाओ हैचबैक, ये कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसमें ये है, मैं मेरा घुटना टच हो रहा है बैक सपोर्ट में, इतना एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ये स्पेस है मेरे पास, सोफा है काफी लंबा चौड़ा और ये रिलैक्स है पूरा। अब की गाड़ियों में कॉस्ट कटिंग कैसी होती है ये नहीं देंगे, जबकि ये इतना सुपीरियर है, मतलब ऐसे बैठते हो, ये प्लास्टिक वगैरह को इग्नोर करो ना कॉस्ट को देखते हुए। हम लोगों ने ये गाड़ी 12,00,000-11,00,000 कुछ की ली थी हमने गाड़ी, अब ये चीजें आपको 14-15 लाख रुपए मिल रही है, 17,00,000-18,00,000 इसमें जा चुकी है किया सोनेट, अभी की बात करें तो हम बिल्कुल। और एक चीज में और बट स्टिल वो गाड़ियां ये चीजें नहीं दे पा रही है, उनका बैक स्पेस कैबिन बहुत कम है, अंडर साइज सपोर्ट भी कम, अंडर साइज मतलब सिटिंग कम्फर्ट ही नहीं है उन गाड़ियों में, बैक सीट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज में और बोलना चाहता हूँ जो मुझे पर्सनली हमेशा लगा, जिसके घर में बच्चे हैं वो उसका रिलेट भी करेंगे, सबसे बड़ी सबसे भाईया चीज थी इस गाड़ी की, लॉक की बात कर रहे हैं आप, हम चल रहे हैं ये खुल जाएगा, ये और सबसे ये पीछे भी है, इवन चारों डोर में ये पीछे भी है, और यहाँ पे लॉक अनलॉक दे रखा है,
ऑटो डोर लॉक सेंसिंग है इसके अंदर, 20 के बाद में ऑटो डोर लॉक हो जाते हैं, लेकिन फायदा क्या है जब अनलॉक भी हो जाते हैं तो। ये मेरे साथ दिक्कत कई बार आई, बच्चे ने ऐसे गेट खोल ले चलती गाड़ी में, तो ये चीज बहुत ज्यादा कमी थी यार इस गाड़ी की ना। ये एक मैं पर्सनली मैं कहना चाहूंगा सिक्योरिटी मतलब इतनी अच्छी नहीं थी इसमें, बिल्कुल बिल्कुल इस चीज का ध्यान नहीं रखा उन लोगों ने। लेकिन एक चीज और भी थी इस गाड़ी की, अगर मतलब बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूँ ना भाई, ऐसे ऑन फिगर तो मुझे लगता नहीं शायद ये टेस्ट हुई थी या नहीं हुई थी, या हुई थी तो मेरे को रेटिंग नहीं पता, जस्टिफाई भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाई तो, जो इस गाड़ी की सेफ्टी है ना, लगने पे कुछ भी नहीं होता भाई गाड़ी का, और सामने वाली पिचक जाती थी, इतना फर्क था इस गाड़ी का। जैसे टाटा का लोवा था ना, वैसा ही इसका लोवा मान जाता है। उसके अलावा मोहित जी आप कुछ कहना चाहोगे गाड़ी के प्रोस की बात कर रहे हैं आप? हाँ, प्रोस के अंदर जो बेसिक चीजें होती है ना, कभी भी वो खराब नहीं हुई इसमें। जैसे स्पीकर 5 साल से चल रहे, मैंने कभी चेंज नहीं करवाए, ठीक है। इसका स्क्रीन उस टाइम का मेरे ख्याल से सबसे फ्लुएंट स्क्रीन आता था, और ये बड़ा भी था और एडवांस भी था अपने समय के हिसाब से ना। इसके टॉप वेरिएंट में जाते हैं हम लोग तो उसके अंदर तो उसका स्टीरियो सिस्टम भी अपग्रेड हो जाता था, इसके अंदर एक सिंक 3 सिस्टम आता था, तो एक सिंक 3 सिस्टम हो गया। तो ये सब चीजें ना इसके समय से आगे की थी, सनरूफ, हाँ सनरूफ उस टाइम पे सनरूफ आता था इस सेगमेंट के अंदर। हाँ, एक कौन और बताता हूँ गाड़ी का, वो है इसका आप ये देखो हैंड ब्रेक। भाई साहब हैंड ब्रेक है, लेकिन हैंड ब्रेक खत्म है, मतलब जैसे आप मारोगे ना वैसे खत्म हो जाता था। हैंड ब्रेक बिल्कुल भी बढ़िया नहीं था इस गाड़ी का बिल्कुल भी, और कॉन्स की लिस्ट भी भाई लंबी है, हालांकि लंबी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज है जिसको हम इग्नोर करके गाड़ी चला भी सकते थे कहीं ना कहीं, है ना। उसके अलावा और कोई प्रो है मोहित जी आपका? प्रो है जी, इसके अंदर बटन्स वगैरह, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह है, ये सब चीजें उस टाइम पर नॉर्मल वेरिएंट में आ जाती थी, ऐसा जैसे आजकल टॉप वेरिएंट्स के मारा मारी है। मैं ये बातें बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल और उस टाइम पर, क्योंकि जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं इस टाइम पर उस टाइम में इंडस्ट्री ही चेंज हो गई है, बिल्कुल 5 सालों में बहुत चेंज हो चुका है, जमीन आसमान का फर्क बोलते हैं ना वो हो गया। हाँ, बट स्टिल अगर ये गाड़ी अब भी आती है कुछ फीचर इसमें के अंदर डाल दो, जैसे आजकल एडास हो गया, वेंटिलेटेड सीट हो गई, ये जो डिजिटल एमआईडी वगैरह हो गई, फालतू के अटर पटर सिस्टम है ना, आप ये डाल दो, इस गाड़ी का आज भी मुकाबला नहीं है। इवन इसमें इंजन भी चेंज करने की जरूरत नहीं कंपनी को, वो फिर भी बिकेगी, बिल्कुल बिकेगी। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें लगभग हमने करी दी, कवर करी दी है। और हाँ, एक चीज और बोलना चाहूंगा, जब से ये गाड़ी 2017 से और आज 24 तक तीन फेसलिफ्ट आ चुके हैं गाड़ियों के, तीन फेसलिफ्ट। आप गाड़ी रोकिए, देखो मैं आपको ना प्रोस बताता हूँ और क्वालिटी की बात करता हूँ कि फोर्ड कस्टमर्स को क्या देता है। आप रोकिए, इस गाड़ी को हमें यूज करते हुए 5 साल हो गए, 1,00,000 किलोमीटर के ऊपर ये गाड़ी चल चुकी है। कोई भी मारुति हुंडई की गाड़ी आप लोगे, ये चीजें घिस जाती है। आप ये कपड़ा देखोगे, स्टेरिंग व्हील का कवर देख लो, लेदर देख लो, स्टेरिंग व्हील का कवर देखो, लेदर देख लो, जो कपड़े होते हैं दरवाजों में ये कपड़े घिस जाते हैं, वो जो बटन है बटन के नंबर मिट जाते हैं। हम बात करते हैं मारुति में, कोई भी कंपनी में बात करते हैं हम लोग, ये इतना यूज हुए हैं आज तक एक बटन इसका चेंज नहीं हुआ, इसका कोई ऐसी चीज फेड भी नहीं हुआ जो हम बोलेंगे घिस गई, या कोई बैठेगा ये नहीं बोल पाएगा कि 5 साल पुरानी और 1,00,000 चली हुई गाड़ी है। अंदर ये टाइप की क्वालिटी देता है फोर्ड अपने कस्टमर्स को, उस टाइम पर भी देता था और अभी भी बनती है, हमारे पास नहीं मिल रही है एक अलग बात है, बिल्कुल। बट स्टिल आप देखोगे इसमें बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, ये लंबे टूर पर भी गई है, 2,00,000 पर भी चली है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई स्क्रैच अगर आप देखोगे ना, चीजें सब हुई है गाड़ी के अंदर, विजिबल नहीं होगी आपको, मतलब ऐसा नहीं मेजर कोई। इवन ये जो क्वालिटी है ना, ये इसको हमने ऐसे खोला है वैसे खोला है, इनको भी कभी कुछ नहीं हुआ, अगर हम ये क्वालिटी इसकी बात करते हैं तो। और ये चीज तो आजकल भी नहीं मिलती आपको, ये छोटे छोटे टचेस है ना इसके अंदर, ये सॉफ्ट है, एक तो ये सॉफ्ट ओपनिंग है इसकी, इसके अंदर ये आप कुछ भी रखते हो आवाज नहीं करेगा, तो चीजों का तो बहुत ध्यान दिया जाता था, छोटी से छोटी चीजों का ध्यान दिया जाता था, मतलब कन्वीनियंस की चीजों में कमी नहीं होती थी बिल्कुल भी गाड़ी के अंदर। और इवन जो हमारे ओआरवी है, मैं इनके अंदर पेडल लैंप तक आया था, बिल्कुल वो इसी गाड़ी में आया था, और खिलाफ नहीं था उस टाइम पर। तो यार ऐसा ही कुछ इसका रिव्यू था, तो आज की इस वीडियो को फिर यही एंड करते हैं, और यहाँ से आपको देखो समझ में आ ही गया। और वैसे भी 2025 तक फोर्ड दोबारा ऑफिशियली अपनी गाड़ी की डिलीवरी दोबारा स्टार्ट कर देगी, फिलहाल जो न्यूज़ है। और अपनी गाड़ी अब उसमें क्या है कि फोर्ड इको जो आपकी एंडेवर है वो तो आने वाली है 100%, लेकिन अभी जो मोस्ट अवेटिंग गाड़ी है वो है इनकी फोर्ड इको स्पोर्ट, अभी तक उसके ऊपर कोई न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आएगी हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। और देखो मोस्ट डिजर्विंग गाड़ी
और इतनी पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी है। ये गाड़ी जब लॉन्च हुई थी तो ये गाड़ी आई थी 11 लाख, मतलब जिस टाइम पे इन्होंने ली थी 11,80,000 रुपए की टाइटेनियम, 11,80,000 में मिलता क्या भाई। और ये गाड़ी इन्होंने पूरी स्टॉक रखी है, आज तक इनको कुछ चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ी। ये है फोर्ड का विश्वास, और आफ्टर सेल सपोर्ट इतना बेहतरीन है गाड़ी का। इवन आज भी जो मेरे जिससे हमने गाड़ी खरीदी थी, साह साहब थे वे, साह था उनका सरनेम, तो उससे मेरे को याद है, उनको आज भी कॉल करूंगा, आज भी रिस्पॉन्स आएगा उनका, इतनी बेहतरीन। तो मेरे को सारी चीज़ें लगभग बढ़िया लगी। तो फिर आज की इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, नहीं आपसे किसी नए ब्लॉग में किसी नई चीज़ के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।